नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस आप जैसा कि जानते हैं कि हम इस वक्त रामदेवरा के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बीच में आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसको सोच कर, जिसको समझ कर आप यकीन मानिए कि किस प्रकार से यहाँ पर सेवा भाव का रूप देखने को मिल रहा है। एक गुजरात का परिवार पिछले 10 सालों से लगातार पैदल आने वाले यात्रियों की सेवा करते हैं, राम रसोड़ा लगाते हैं या यूं कहें कि राम भंडारो लगाते हैं। गुजरात का एक परिवार, और जैसा मैंने इनसे बात की तो ये कह रहे हैं कि हम 10 सालों से, आज से नहीं 10 सालों से जो पैदल यात्री आते हैं उनके लिए शानदार रुकने की व्यवस्था की है, नाश्ते की व्यवस्था कर रखी है, खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी है। और आप यकीन मानिए कि कितना श्रद्धा भाव है बाबा के प्रति। मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? समीर। समीर भाई, कहाँ से हो आप? राजकोट। राजकोट से हो तो कब से ये आप लगा रहे हैं भंडारा, कब से लगाते हैं? 10 साल। हर साल लगाते हैं? हर साल। अच्छा, क्या में दो कोरोना के साल में? अच्छा, दो साल नहीं था। अच्छा, तो किस प्रकार से जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा भाव करते हैं, सेवा करते हैं सुबह से लेके रात तक, पूरा दिन खाना पीना 24 घंटा? क्या क्या कितने लोग लगे हुए यहाँ पर आप? 60 लोग। 60 लोग सेवा कर लेगी। अच्छा, आप बताए आपका क्या नाम है? सोहेल भाई। सोहेल भाई, तो मैं भी गुजरात ना छो। अच्छा, केटला दिवस थे तुम्हारे यहाँ राम रसोड़ा शुरू थे? त्रण दिवस थी। रोजना केटला लोग आवे यहाँ? લાડવા ચોખા ઘી ના લાડવા, દાળ ભાત, શાક, શું વાત કરો, વાકઈ મેં આપ યકીન માનીએ, ઠંડો લીંબુ શરબત, અચ્છા, આઈસક્રીમ, 24 ઘંટે આઈસક્રીમ ચલતા ઓર ચાય ભી ઓર મેડિકલ ભી। वाकई में आप देखिए कि किस प्रकार से गुजरात का एक समूह, 60 लोगों का समूह है, अमृत भाई, शरीफ भाई, दादवाणी, कटुड़ा वाला उनकी याद में, और उनके पूरा ग्रुप है आपका। देखिए पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो किस प्रकार से सेवा भाव करते हैं, जो पैदल यात्री आते हैं उनके लिए स्पेशल क्या क्या इन लोगों ये उनको खिलाते हैं, हम भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप, उनके लिए खाने की VIP से VIP यहाँ पर उनके लिए खाने के, ब्रेकफास्ट के लिए अलग अलग सुविधा रख रही है। और आइसक्रीम ये कहते हैं कि 24 घंटे चालू रहता है, अभी आइसक्रीम चालू रहता है और यहाँ इस तरफ खाना बनता है, पूड़ी, हलवा, हर चीज़ बनती है। सर देखिए किस प्रकार से सेवा कर, दाल वड़ा बना रहे हो अभी आप? अच्छा, तो भाई सु नाम से तुम्हारो? पेम बेन। क्या ना छो तुम्हें? सुन्न करना। मतलब केटला दिवस थी अहीं सेवा करो छो लोगों ने? 5 दिवस थी। रोज करो छो? शू बनावो छो तमे बधाई बहनो भेगू होन? शू बनावो? हां, પછી ભજીયા, પૂરી, દાળ, ભાત, પછી બાજરી કા। કેટલો આનંદ આવે આ લોકો ની સેવા કરવાનો? બહુ જ આનંદ આવે, એક આનંદ બોતે। આપ દેખીએ કે કિસ પ્રકાર રસોઈયા ઇન્ચાર્જી? અચ્છા, રસોઈયા ના ઇન્ચાર્જ છે। શું બેન છે, બેન નામ શું છે તમારો? બેન જયાબેન। જયાબેન, ક્યાં ના છો તમે? સુરેન્દ્રનગર। એટલે કેટલા લોક છો તમે અહીંયા બધું બનાવવાના? 50 લોક છો, એટલે કેટલી આનંદ આવે તમને આ બધું સેવા ભાવ કરવાનો? ખૂબ આનંદ આવે। હા, बाबा ना दर्शन करवा जसो करी? हाँ, जाइए। क्या रे जसो? जय जय। वाकई में आप देखिए, वो देखिए दाल बड़े बना रहे हैं भाई साहब, और अलग अलग ये सारी की सारी जो महिलाएं हैं गुजरात से आई हैं, और गुजरात का ये ग्रुप जो है 10 सालों से सेवा करता है। और अब आप देखिए ये आइसक्रीम 24 घंटे चालू रहती है, 24 घंटे आइसक्रीम इन जो पैदल यात्री आते हैं उनके लिए चाय की, और ये देखिए मेडिकल की है, यहाँ मेडिकल की सुविधा है, और ये देखिए बड़ा सा टेंट लगा रखा है यहाँ पर सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। और वाकई में सेवा भाव जो लोगों का है वो अपने आप में अद्भुत हैं, जो यहाँ पैदल यात्री आते हैं उनको रुकवाते हैं, उनको नाश्ता करवाते हैं, नाश्ता में भी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ ब्रेकफास्ट, खाना, आइसक्रीम जो चाहिए इनको वो करते हैं। और इन ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए प्रेरित कीजिए, बोलिए बाबा रामदेव की जय। बाबा री, देखिए बाबा के नारे जयकारे लगा रहे हैं, और यहाँ पर बाबा जी के जो पैदल यात्री आते हैं उनके लिए किस प्रकार से सेवा भाव यहाँ पर की जा रही है। तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
जय बाबारी। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चाय की सुविधा है? चाय की। अच्छा, आप कहाँ से हो अंकल? मैं सूरत नगर से। सूरत नगर, सभी साथ में, सारा ग्रुप साथ में पूरा। अच्छा, यहाँ आप चाय पिलाते और यहाँ पानी पिलाते, ठंडा ठंडा शीतल जल पिलाते हैं? हम पी लेंगे यार, पानी क्या क्यों नहीं पियेंगे। बिल्कुल, आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पैदल या यात्रु आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, उनकी ये सेवा करते हैं, और ऐसी सेवा सदैव आप सब लोगों को करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।